जोहार, मैं हूँ प्रिया कुजूर। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ बटर गार्लिक चिकन और जीरा राइस, क्योंकि आज संडे है और आज ही का एक दिन सिर्फ हमें मौका मिलता है कि मैं और मेरे हस्बैंड साथ बैठ के लंच करते हैं, तो सोचा कुछ आज अच्छा बना के खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन लाने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा, पर हमने अच्छे से डबल मास्क, सैनिटाइजर सब लगाए हुए हैं। चिंता की बात नहीं है। ये रहा हमारा चिकन का दुकान। हम बारिश में भटक गए थे आधे घंटे के लिए बाहर। ओ स्प्रिंग अलर्ट। पाँच सौ ग्राम चिकन को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करके इसको कम से कम 15 मिनट तक के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच पेपर पाउडर, एक चम्मच जिंजर पेस्ट, एक चम्मच गार्लिक पेस्ट और हम इसमें दो अंडा का एग वाइट सिर्फ यूज करेंगे। इस तरीके से हम एक वाइट को अलग कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे दो चम्मच कॉर्नफ्लावर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके हम इसको ढक के 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। अब मैंने एक पैन में 4 से 5 बड़ा चम्मच तेल लिया है, रिफाइंड ऑयल। अब हम मैरिनेटेड चिकन को इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम में 12 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसका ढक्कन हटा के इसको एक बार चेक कर लेंगे, इसको पलट लेंगे। चिकन अपने आप पानी छोड़ने लगता है, लेकिन अगर आपको लगे कि पानी डालना चाहिए तो आप 2 से 3 चम्मच पानी डाल सकते हैं ताकि ये पके अच्छे तरीके से। और मैंने चिकन को 15 मिनट अच्छी तरीके से लो फ्लेम में पका लिया है। अब 2 से 4 मिनट तक मैं इसको थोड़ा हाई फ्लेम में, हाई नहीं मीडियम फ्लेम में गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। अब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, ये गोल्डन कलर का भी हो चुका है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब हम इसका बटरी गार्लिक सॉस रेडी करेंगे।
एक पैन में मैंने 3 बड़े चम्मच बटर लिया है। फाइनली चॉप किया हुआ गार्लिक 2 बड़े चम्मच है, इसको भी मैं ऐड कर लेती हूँ इसमें। स्प्रिंग अनियन मैंने फाइनली चॉप किए हुए 1 कप लिए हैं, उसको भी मैं इसमें ऐड करके थोड़ी देर के लिए पका लूंगी। दो चम्मच कॉर्नफ्लावर को मैंने 1/2 कप पानी में मिक्स करके रखा हुआ है, उसको भी हम इसमें डालेंगे और कॉर्नफ्लावर को पकने तक हम इसको चलाएंगे। कॉर्नफ्लावर पक चुका है, अब हम इसमें फ्राइड चिकन को डाल के इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करने वाले हैं। 1/2 चम्मच पेपर पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक लिया है मैंने, आप रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच विनेगर, अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस ले सकते हैं। और 1 चम्मच सोया सॉस। इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम में चलाएंगे। अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, सभी मसाले अच्छे से मिल चुके हैं, बटर गार्लिक चिकन अब रेडी है। जीरा राइस बनाने के लिए एक बर्तन में मैंने पानी को उबालने के लिए रखा है। पानी अच्छे तरीके से उबल जाने के बाद उसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक, गोटा गरम मसाला और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इसमें मैं बासमती चावल 300 ग्राम डालूंगी, जिसको मैंने 1 घंटे पहले अच्छी तरीके से धो के भिगो के रखा हुआ था। चावल को हम पूरा पकने नहीं देंगे, इसको बस 80% तक पकाएंगे। 80% पक जाने के बाद हम चावल को निकाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे और ये थोड़ा गर्म हो जाने के बाद इसमें 2 तेज पत्ता और 1 चम्मच सादा जीरा का फोरन देंगे। अब मैं इसमें वो 80% पका हुआ चावल को डाल दूंगी और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी। आधा चम्मच पेपर पाउडर,
अब इसमें आधा कप पानी डाल के इसको कवर करके लो फ्लेम में मैं इसको कम से कम 10 मिनट तक पकने दूंगी। 5 मिनट हो जाने के बाद बीच में इसको एक बार इसका ढक्कन हटा के हम अच्छी तरीके से चला लेंगे और फिर से 5 मिनट तक इसको पकने देंगे एकदम लो फ्लेम में। अब जीरा राइस बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है।